गुड इवनिंग, नमस्कार टू एवरीवन। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, और मैं धर्मेंद्र नरूका जुड़ गया हूं आप लोगों के साथ। आज के सेशन में हम एक और इम्पोर्टेंट ट्रेजेडी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और उसका नेम यू कैन सी ऑन द डिजिटल पैनल, दैट इज हैमलेट। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं हैमलेट के बारे में। डेट डला हुआ है इसका, कब लिखा गया, तो इसको लिखा गया है 1601 में। विलियम शेक्सपियर का एक और बेहतरीन नाटक, जो कि एक दुखांत नाटक है यानी कि ट्रेजेडी है, उसकी चर्चा आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। तो एक बार आप सभी साथी जुड़ जाएं और सेशन को जो है आप लोग शेयर कर दें, और बाकी का काम तो मैं ही करूँगा। फिर आप लोग फिर देखो इसके जितने भी तथ्य हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, वो सारी बातें डिस्कस हम करेंगे। एक बार आप जुड़ जाओ और मुझे बताओ ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है ना, एवरीथिंग इज परफेक्ट। उसके बाद आज का सेशन जो है हम लोग शुरू करते हैं भाई ना, उसके बाद आज का सेशन जो है हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है भाई, तो टाइम को ज़्यादा ख़राब तो हम करेंगे नहीं, और सीधे चलते हैं इससे जुड़े कुछ फैक्चुअल जो डेटा है उसके ऊपर चलेंगे, और फिर धीरे धीरे करके इसकी पूरी समरी आज के हम सेशन में देखने वाले हैं। जैसा रोज ही हम देख रहे हैं ना, हम ने इससे पहले एज यू लाइक इट और मैकबेथ के बारे में भी डिटेलिंग से पढ़ लिया है, और बाकी की बातें आज के सेशन में हम करेंगे हैमलेट के बारे में। ठीक है, चलो एक और बेहतरीन ट्रेजेडी। जो जुड़ गए हैं साथी वो सेशन को करो लाइक, और मैं करता हूँ मेरा काम यानी पढ़ाने की शुरुआत। और देखिएगा, अगर हम बात करें इसके फुल टाइटल की, अगर मैं हैमलेट के फुल टाइटल की आप लोगों से चर्चा करूं, तो हैमलेट का जो फुल टाइटल है दैट इज द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट। क्या है? द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क। तो ये इसका पूरा टाइटल है, और इन शॉर्ट इसे क्या कहा जाता है, शॉर्ट में इसको कह दिया जाता है हैमलेट। शॉर्ट में इसको क्या कह दिया जाता है, हैमलेट कह दिया जाता है। तो पहली बात तो ये रही आपकी कि इसका फुल टाइटल क्या है। तो आई थिंक नाउ यू नो द नेम ऑफ हैमलेट, फुल टाइटल ऑफ हैमलेट, दैट इज द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट। ठीक है, चलो इसके बाद इसके रिटर्न डेटा की बात अगर करें, तो इट इज अ ट्रेजेडी रिटर्न इन 1600 या 1601, है ना। तो ओवरऑल इसको 1601 के नाम से ही जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखें कि इसको कब लिखा गया है, 1601 में लिखा गया है। तो दो चीज़ें हो गई। थर्ड ये है, दिस इज द लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर, हैविंग 29,551 लाइंस या वर्ड्स, इतना बड़ा है। यानी हैमलेट की लेंथ जो है शेक्सपियर के जितने भी प्लेज हैं उनमें सबसे बड़ा प्ले जो है वो हैमलेट है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी जो है वो आपका डिजाइन हो सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तीन बातें हो गई, फुल टाइटल हो गया, राइटिंग रिटर्न डेट हो गई, और सबसे बड़ा या लॉन्गेस्ट है ना, जो करीब कितने वर्ड्स का है वो भी आपके सामने है। इसके बाद इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट फिल्म्ड स्टोरी आफ्टर सिंड्रेला। सिंड्रेला, तो सिंड्रेला के बाद जिस पर सबसे ज्यादा फिल्म या मूवीज बनी वो कौन सा है, हैमलेट है। अभी रिसेंटली भी इस पर मूवी बनी थी, दो साल पहले तो इसके ऊपर सिंड्रेला से ज़्यादा यानी सेकेंड नंबर का ये ऐसा स्टोरी है जिसके ऊपर बहुत सारी मूवीज इस पर बेस्ड हैं। और अगर इसके सेटिंग की बात करें तो ये है किंगडम ऑफ डेनमार्क। तो यहाँ से अगर मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें, तो हमारे पास एक तो फुल टाइटल का क्वेश्चन हो सकता है, एक इसकी राइटिंग डेट हो सकती है, लॉन्गेस्ट प्ले है शेक्सपियर का, और सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर की स्टोरी है जिसपे सबसे ज़्यादा फिल्म बनी, और लास्ट पॉइंट हम इस स्लाइड में देख रहे हैं कि इसकी सेटिंग जो है वो डेनमार्क की है, या डेनमार्क का जो किंगडम है वहाँ की इसकी पूरी क्या है, सेटिंग है। ठीक है, तो यहाँ तक की बात तो आई, होप आपको समझ में आई गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इससे जुड़े जो और अहम तथ्य, बेहतर जो फैक्चुअल डेटा है उसको देखते हैं। देखो जरा, हैमलेट इज कंसीडर्ड अमंग द मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल ट्रेजेडीज इन द इंग्लिश लैंग्वेज, विद अ स्टोरी कैपेबल ऑफ सीमिंगली एंडलेस रिटेलिंग एंड एडेप्टेशन बाई अदर्स।
इट इज वाइडली कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेज ऑफ ऑल टाइम. ठीक है, तो पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल ट्रेजेडीज में से एक है ये, साथ ही साथ इसको ग्रेटेस्ट प्ले जितने भी हैं इंग्लिश लिटरेचर के उनमें से ये एक है या एक इसे माना जाता है. अब हम इसके प्लॉट की बात करेंगे, उससे पहले इसका कुछ बैकग्राउंड जो हम देख लेते हैं, फिर इसके प्लॉट के ऊपर चलेंगे, इसकी कहानी पे चलेंगे. क्लॉडियस जो है वो अपने भाई किंग हैमलेट को मार देता है, उसका मर्डर कर देता है, जो कि हैमलेट के फादर हैं. यानी हैमलेट के फादर का नाम भी क्या है, हैमलेट ही है, तो उनका नाम उसी पर रखा हुआ है. टू टेक ओवर द थ्रोन एंड मैरिज हिज ब्रदर्स वाइफ जर्ट्रूड. अब इसके दो रीजन थे, क्लॉडियस थ्रोन को पाने के लिए अपने भाई की हत्या कर देता है और उसकी विधवा यानी उस भाई की जो वाइफ है उससे क्या कर लेता है, शादी करता है, जिसका नाम क्या है, जर्ट्रूड है. देयर इज एन एक्सपेक्टेशन दैट नॉर्वेजियन प्रिंस 14 विल अटैक डेनमार्क. और यहाँ संभावना है कि नॉर्वे का जो प्रिंस है 14 वो अब डेनमार्क पर क्या करेगा, अटैक करेगा. द प्ले ओपन्स ऑन अ कोल्ड विंटर मिडनाइट ऑन अ प्लेटफॉर्म बिफोर द कासल. और उसका नाम है ऑव एल्सिनोर द डेनिश रॉयल कासल. ये कासल का नाम है ना, ये जो महल का नाम है. तो प्ले की जो ओपनिंग है ना वो कोल्ड विंटर मिडनाइट यानी मध्य रात्रि का समय है और सर्द रात है. ठीक है, और सीन कहाँ का है, ऑफ एलिनसोर डेनिश रॉयल कासल यानी डेनमार्क के जो राजा हैं उनका जो राजसी महल है, जो शाही महल है, वहाँ की पूरी क्या है कहानी है. तो ये ओवरऑल आपको यहाँ से एक स्टोरी बिल्ट होने का प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि कहानी की जब शुरुआत होती है तो यू मस्ट नो कि यहाँ पर क्लॉडियस और जो किंग हैमलेट हैं ये दोनों भाई हैं. सीन में क्लॉडियस जो है अपने भाई का मर्डर करता है ताकि वो राज्य सिंहासन को ले सके और उसकी जो वाइफ है उससे शादी कर सके. अब इसके बाद ये बताया जाता है कि यहाँ एक्सपेक्टेशन है कि जो नॉर्वे का प्रिंस है 14 वो अटैक कर देगा डेनमार्क पर. और उसके बाद ये जो सीन जो शुरू होता है ये कोल्ड मिडनाइट है और कहानी कहाँ है, डेनमार्क के राजा के जो महल है, जो कासल है, जिसका नाम यहाँ पे गिवन है ऑव एल्सिनोर, यहाँ की ये कहानी है. तो यहाँ से कहानी आपकी शुरू होती है. अब कहानी के अहम तथ्यों को हम देखते चलते हैं और फिर आगे बढ़कर सारी चीज़ों को हम जान लेंगे. ठीक है, चलो तो यहाँ तक तो आई होप समझ में आ गया होगा. अब देखो, आप जरा देखो, ऑन अ डार्क विंटर नाइट, रात जो है वो सर्दी से भरी हुई है, मध्य रात्रि है, सर्दी पड़ रही है. अ गोस्ट वॉक्स द रैम्पार्ट्स ऑफ एल्सिनोर कासल इन डेनमार्क, डिस्कवर्ड फर्स्ट बाई अ पेयर ऑफ वॉचमैन, देन बाई द स्कॉलर होरेसियो. द गोस्ट रिजेंबल्स द रिसेंटली डिकीज्ड किंग हैमलेट हुज ब्रदर क्लॉडियस हैज इनहेरिटेड द थ्रोन एंड मैरिड द किंग्स विडो क्वीन जर्ट्रूड. तो कहानी जब शुरू होती है तो एक तो यहाँ पे सबसे पहले जिस चीज का जिक्र किया गया है तो वो जो नाइट है ना, वो मतलब सर्दी की रात है और कभी मध्य रात्रि का समय है. तभी क्या होता है, फोर्ट के ऊपर का जो हिस्सा होता है उस पर एक गोस्ट दिखाई देता है यानी कि भूत दिखाई देता है. और उसको सबसे पहले कौन देखता है, अ पेयर ऑफ वॉचमैन देखते हैं, उसके बाद एक स्कॉलर है होरेसियो, वो देखता है. और ऐसा लोग कहते हैं कि इसकी शक्ल किससे मिलती है, उस राजा से जिसकी हत्या उसके भाई ने अभी रिसेंटली की है और उसकी वाइफ जर्ट्रूड से क्या कर ली है, शादी कर ली है. तो ये होती है कहानी
जर्ट्रूड जो है वो किंग हैमलेट की वाइफ है। किंग हैमलेट की कौन है? वाइफ है, जिसका मर्डर उसके भाई ने कर दिया है, जिसका हमने जिक्र शुरुआत में कर लिया। क्लॉडियस जो है अपने भाई यानी हैमलेट की क्या कर देता है, हैमलेट का मर्डर कर देता है। व्हेन होरेसियो एंड द वॉचमैन ब्रिंग प्रिंस हैमलेट, एक तो किंग हैमलेट और एक प्रिंस हैमलेट। प्रिंस हैमलेट कौन है? किंग हैमलेट का बेटा है, जर्ट्रूड का बेटा है, और क्लॉडियस का ये क्या है, नेफ्यू हो गया। द सन ऑफ जर्ट्रूड एंड द डेड किंग, जो हैमलेट है वो किसका बेटा हो गया, जर्ट्रूड का और डेड किंग हैमलेट का। टू सी द गोस्ट, तो उसको बुलाया जाता है कि चलो देखो आपके फादर साहब गोस्ट के रूप में आए हुए हैं, भूत के रूप में आए हुए हैं। इट स्पीक्स टू हिम डिक्लेरिंग ओमिनसली दैट इट इज इंडीड हिज फादर्स स्पिरिट एंड दैट ही वॉज मर्डर्ड बाई नन अदर देन क्लॉडियस, ऑर्डरिंग हैमलेट टू सीक रिवेंज ऑन द मैन हु अनसर्प्ड हिज थ्रोन एंड मैरिड हिज वाइफ। द गोस्ट डिसअपियर्स विद द डॉन। अब क्या होता है देखो, इट स्पीक्स टू हिम, इट यानी कि गोस्ट किससे बोलता है, उससे बोलता है, डिक्लेयरिंग ओमिनसली दैट इट इज इंडीड हिज फादर्स स्पिरिट, कि वो सच में फादर की ही स्पिरिट है। एंड दैट ही वॉज मर्डर्ड बाई नन अदर देन क्लॉडियस, ऑर्डरिंग हैमलेट टू सीक रिवेंज ऑन द मैन हु अनसर्व्ड हिज थ्रोन एंड मैरिड हिज वाइफ। द गोस्ट डिसअपियर्स विद द डॉन। अब होता क्या है कि वो जो स्पिरिट है वो प्रिंस हैमलेट को ये कह के निकल जाता है कि तुमको बदला लेना है, जिसने तुम्हारे फादर की प्रॉपर्टी यानी थ्रोन को हड़पा है और उनकी पत्नी से शादी की है, उससे आपको क्या करना है, बदला लेना है। इतना कह के जो गोस्ट है वो गायब हो जाता है। जैसे ही सुबह होती है, डान का मतलब होता है भोर, है ना, सूर्य जैसे पहले का टाइम जो होता है। कहानी आगे बढ़ती है। प्रिंस हैमलेट डिवोट्स हिमसेल्फ टू अवेंजिंग हिज फादर्स डेथ। प्रिंस हैमलेट जो है पूरी तरीके से बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है, उस काम में लग जाता है। बिकॉज ही इज कंटेम्पलेटिव एंड थॉटफुल बाई नेचर ही डिलेज एंटरिंग इन टू अ डीप मेलेंकली एंड इवन अपरेंट मैडनेस। क्लॉडियस एंड जर्ट्रूड वरी अबाउट द प्रिंस इरेटिक बिहेवियर एंड अटेम्प्ट टू डिस्कवर इट्स कॉज। क्लॉडियस और जो क्लॉडियस की वाइफ है, जो पहले किंग हैमलेट की वाइफ थी, वो दोनों चिंतित होते हैं क्योंकि वो अजीब तरीके का व्यवहार करने लग गया था। कौन? किंग हैमलेट का बेटा यानी कि प्रिंस हैमलेट। दे इंप्लॉय अ पेयर ऑफ हैमलेट्स फ्रेंड, तो उन्होंने क्या किया, इसके साथ कुछ इसके दोस्त हैं हैमलेट के, उनको रख दिया, जिसका एक का नाम है रोशन क्रेंज और दूसरे का नाम है गिल डेंस्टर्न। ये दो इसके कौन है, दोस्त हैं। टू वॉच हिम व्हेन पोलोनियस द पॉम्पस लॉर्ड चैम्बरलिन सजेस्ट दैट हैमलेट मे बी मैड विद लव फॉर हिज डॉटर ओफेलिया, क्लॉडियस एग्रीज टू स्पाई ऑन हैमलेट इन कॉन्वर्सेशन विद द गर्ल। अभी क्या होता है, पोलोनियस जो है ना वो हैमलेट के बारे में क्लॉडियस से ये कहता है कि ये उसकी डॉटर के प्यार में पागल हो चुका है, जिसका नाम क्या है, ओफेलिया है। तो क्लॉडियस इस बात पर एग्री हो जाता है और उसको उसके ऊपर नज़र रखता है, हैमलेट के ऊपर, कि क्या कॉन्वर्सेशन ये गर्ल के साथ करता है। बट दो हैमलेट सर्टेनली सीम्स मैड, ही डज नॉट सीम टू लव ओफेलिया, ही ऑर्डर्स हर टू एंटर आ Nunnery and declares that he wishes to ban marriages. अब जरा देखो क्या होता है, but though Hamlet certainly seems mad, he does not seem to love Ophelia. वो क्या करता है, वो किसको ऑर्डर देता है, ऑफेलिया को ऑर्डर देता है कि तुम नन बन जाओ, और वो कहता है कि शादी करवाने पर ही क्या करवा देता है, वो रोक लगवा देता है, to ban marriages. वो ऐसा चाहता है। A group of traveling actors कम्स टू एल्सिनोर, और कुछ एक्टर्स का ग्रुप है, एक ग्रुप है एक्टर्स का, वो एल्सिनोर आता है। एंड हैमलेट सीजेज अपॉन एन आइडिया टू टेस्ट हिज अंकल्स गिल्ट, तो हैमलेट क्या करता है, अपने अंकल के गिल्ट, गिल्ट तो कहीं ना कहीं होगा, भाई को मारा है तो,
उसको चेक करने का निर्णय लेता है। ही विल हैव द प्लेयर्स परफॉर्म अ सीन क्लोजली रिजेंबलिंग द सिक्वेंस बाय विच हैमलेट इमेजिन हिज अंकल टू हैव मर्डर्ड हिज फादर सो दैट इफ क्लोडियस इज गिल्टी ही विल श्योरली रिएक्ट। अभी क्या कहता है, इसने क्या चाल चली है कि जितने जो एक्टर्स आए थे उनसे इन्होंने इसी तरीके का प्ले करवाने को कहा जो उसी तरीके से होगा जैसे कि किंग हैमलेट का मर्डर हुआ। अगर क्लोडियस ने हैमलेट का मर्डर किया है तो डेफिनेटली वो रिएक्ट करेगा ही करेगा, चोर की डाडी में तिनका, तो ही विल फाइंड आउट द मर्डर। तो ये एक तरीके से वो प्लान बनाता है। व्हेन द मोमेंट ऑफ द मर्डर अराइव्स इन द थिएटर, और जब मर्डर का सीन थिएटर में परफॉर्म होता है, क्लोडियस लीप्स अप एंड लीव्स द रूम, वो खड़ा होता है ना और वहां से निकल जाता है। हैमलेट एंड होरेसियो एग्रीज दैट, तो हैमलेट और होरेसियो एग्रीज दैट दिस प्रूव्स हिज गिल्ट, कि मर्डर जो है ना वो इसी ने किया है, इस बात से प्रूव हो जाता है। हैमलेट गोज टू किल क्लोडियस बट फाइंड्स हिम प्रेइंग। हैमलेट जब क्लोडियस को मारने जाता है तो क्लोडियस उस समय प्रार्थना कर रहा है, पूजा कर रहा होगा वो। सिंस ही बिलीव्स दैट किलिंग क्लोडियस वाइल इन प्रेयर वुड सेंड क्लोडियस सोल टू हेवन। अब हैमलेट सोचता है कि अगर प्रेयर करते हुए को मैंने मारा तो इसकी जो आत्मा है ना वो स्वर्ग चली जाएगी। हैमलेट कंसीडर्स दैट इट वुड बी एन इनएडिक्वेट रिवेंज एंड डिसाइड्स टू वेट, तो मेरा बदला जो है ना वो पूरा नहीं हो पाएगा, इसको तो नर्क भेजना है, इसको तो हेल में जाना है, तो वो इंतजार करता है कि मैं वेट कर लेता हूं, जैसे ही इसकी प्रेयर खत्म होगी आई विल मर्डर हिम। क्लोडियस नाउ फ्राइटेंड ऑफ हैमलेट्स मैडनेस, क्लोडियस को डर है कि जिस तरीके का ये पागल है ना, जिस तरीके का ये रिवेंज लेने पर उतारू है तो डेफिनेटली मुझे मार देगा। एंड फियरिंग फॉर हिज ओन सेफ्टी ऑर्डर्स दैट हैमलेट बी सेंट टू इंग्लैंड एट वंस, तो वो ऑर्डर देता है कि हैमलेट को तुरंत कहां भेज दो, इंग्लैंड भेज दो ताकि मैं सेफ रहूं। हैमलेट गोज टू कन्फ्रंट हिज मदर इन हुज बेड चैम्बर पोलोनियस हैज हिडन बिहाइंड ए टेपेस्ट्री। हैमलेट goes to confront his mother in whose bed chamber Polonius has hidden behind a tapestry. वो अपनी माँ के पास जाता है और उससे जाके वो मतलब argument करता है, और वहीं कौन छुपा हुआ है, Polonius छुपा हुआ है। Hearing a noise from behind the tapestry, Hamlet believes the king is hiding there. तो Hamlet को लगता है कि जो Claudius है ना ये पर्दों के पीछे छुपा हुआ है, tapestry के पीछे छुपा हुआ है। He draws his sword, वो अपनी तलवार निकालता है, and stabs through the fabric, और वो जो पर्दा है ना उसके आर पार तलवार को निकाल देता है, और इस तरीके से क्लोडियस की जगह पोलोनियस की डेथ हो जाती है। For this crime, he is immediately dispatched to England, और इस क्राइम के कारण वो इंग्लैंड चला जाता है, किसके साथ, विद रोसेनक्रेंज और गिल्डेंस्टर्न के साथ, ये जिसके दो दोस्त हैं जो इसके साथ रहते हैं, इनके साथ ये कहाँ चला जाता है, इंग्लैंड चला जाता है। हाउएवर क्लोडियस प्लान फॉर हैमलेट इंक्लूड्स मोर देन बैनिशमेंट एज ही हैज गिवन रोसेनक्रेंज एंड गिल्डेंस्टर्न सील्ड ऑर्डर फॉर द किंग ऑफ इंग्लैंड डिमांडिंग दैट हैमलेट बी पुट टू डेथ। अब देखो, हाउएवर क्लोडियस प्लान फॉर हैमलेट इंक्लूड्स मोर देन बैनिशमेंट, अब क्लोडियस का प्लान जो है वो सिर्फ उसे देश निकाला ही नहीं देना था, उसको ये भी खत्म करना था, नहीं ये इसे मार देगा। ही हैज गिवन रोसेनक्रेंज एंड गिल्डेंस्टर्न सील्ड ऑर्डर फॉर द किंग ऑफ इंग्लैंड डिमांडिंग दैट हैमलेट बी पुट टू डेथ, कि उनको बता दिया कि जो किंग ऑफ इंग्लैंड है वो डिमांड कर रहे हैं कि हैमलेट को क्या कर दिया जाए, डेथ की सजा दे, मृत्यु दंड दे दिया जाए, इसको मार दिया जाए कुल मिला के। In the aftermath of her father's death, Ophelia goes mad with grief and drowns in the river. अब जब पोलोनियस की डेथ हो गई तो ओफेलिया क्या हो जाती है, उस ग्रीफ में पागल हो जाती है और नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेती है, यानी कि डूब जाती है। पोलोनियस का सन है
लरिटीज हु हैज बीन स्टेइंग इन फ्रांस, वो फ्रांस में है, वो डेनमार्क वापस आता है गुस्से में. क्लॉडियस कन्विंसेज हिम दैट हैमलेट इज टू ब्लेम फॉर हिज फादर्स एंड सिस्टर्स डेथ. और आते ही क्लॉडियस किसको बताता है, लरिटीज को बताता है कि तुम्हारे फादर और तुम्हारी जो सिस्टर है उसकी डेथ का मेन कारण हैमलेट है, ताकि ये भी हैमलेट को मारने के लिए तैयार हो जाए. When Horatio and the king receive letters from Hamlet indicating that the prince has returned to Denmark after pirates attacked his ship in route to England, Claudius concocts a plan to use Laertes' desire for revenge to secure Hamlet's death. अब जरा देखो, Horatio और किंग जो क्लॉडियस है उसको एक लेटर मिलता है हैमलेट की तरफ से, और वो बताता है कि मैं वापस डेनमार्क आ रहा हूँ क्योंकि कुछ पायरेट्स जो हैं, जो समुद्री डकैत या लुटेरे हैं, उन्होंने शिप पर अटैक कर दिया. अब इस बात को सुनकर क्लॉडियस जो है ना, वो एक प्लान बनाता है कि मैं लरिटीज को भड़काता हूँ, इससे क्या होगा, ये बदला लेने के लिए हैमलेट को मार देगा और मेरा काम हो जाएगा. Laertes will fence with Hamlet in innocent sport, but Claudius will poison Laertes' blood so that if he draws blood, Hamlet will die. अब क्या करेगा, ये तलवार वाला युद्ध जो होता है ना, दो लोग खड़े होकर तलवारबाजी करते हैं, उस तरीके का युद्ध होगा. उसकी युद्ध के ऊपर क्या लगा देगा, वो तलवार के ऊपर क्या लगा देगा, पॉइजन लगा देगा. और अगर सो इफ ही ड्रॉज ब्लड, अगर खून थोड़ा भी निकला तो डेफिनेटली हैमलेट होगा जो मर जाएगा. अगर कट भी लग गया उसके हैमलेट के, तो खून में जो है पॉइजन चला जाएगा और पॉइजन से हैमलेट की डेथ हो जाएगी. एज अ बैकअप प्लान द किंग डिसाइड्स टू पॉइजन अ गोबलेट विच ही विल गिव हैमलेट टू ड्रिंक शुड हैमलेट स्कोर द फर्स्ट और सेकेंड हिट्स ऑफ द मैच. अगर ये नहीं है तो फिर वो पीने से मर जाएगा, उसमें भी जहर मिलाया हुआ है. हैमलेट रिटर्न्स टू द विसिनिटी ऑफ एल्सिनोर जस्ट एज ऑफेलियास फनरल इज टेकिंग प्लेस. हैमलेट कहाँ आ जाता है, किसके पास में, एल्सिनर के पास में, क्योंकि वहां पर ऑफेलिया का फनरल चल रहा था. स्ट्रिकन विद ग्रीफ ही अटैक्स लरिटीज एंड डिक्लेयर्स दैट ही हैड इन फैक्ट ऑलवेज लव्ड ऑफेलिया. बैक एट द Kashal, he tells Horatio that he believes one must be prepared to die since death can come at any moment. और वो यहाँ के देखो, बहुत ही important quotation है यहाँ पे, कि जब वो वापस महल में आता है तो Horatio को बताता है कि वह मानता है कि one must be prepared to die, कि व्यक्ति को मरना पड़ता है, क्योंकि death can come at any moment, कि मृत्यु तो कभी भी और किसी को कहीं भी आ सकती है. तो इसको यहाँ आ गई, यहाँ मर गया ये. A foolish courtier, जिसका नाम Osric है, arrives on Claudius' order to arrange the fencing match between Hamlet and Laertes. अब एक courtier है जिसका नाम Osric है, वो पहुंचता है Claudius के order पर और एक fencing match arrange करता है Hamlet और Laertes के बीच में. Sword fighting शुरू होती है. Hamlet scores the first hit. सबसे पहले Hamlet हिट करता है, बट डिक्लाइंस टू ड्रिंक फ्रॉम द किंग्स प्रोफर्ड गॉबलेट. लेकिन वो जो भी बोतल वोटल है उससे वो पानी पीने को या जो भी वो पिला रहे हैं उसके लिए मना कर देता है. इनस्टीड जर्ट्रूड टेक्स अ ड्रिंक फ्रॉम इट एंड इज स्विफ्टली किल्ड बाय द पॉइजन. और उसकी जगह जर्ट्रूड उसमें से पॉइजन पी लेती है और वो मर जाती है. यानी अब जर्ट्रूड की भी क्या हो गई, यहाँ पे डेथ हो गई, क्योंकि जो जहर पानी में मिला हुआ था उसको किसने पी लिया, जर्ट्रूड ने पी लिया. ठीक है ना. अब देखो आगे, Laertes succeed in wounding Hamlet. अब Laertes ने हैमलेट को घायल करने में वो सफल हो गया. Though Hamlet does not die of the poison immediately, first Laertes is cut by his own sword's blood. And after revealing to Hamlet that Claudius is responsible for the queen's death, he dies from the blood's poison. अब देखो क्या होता है,
लर्टीज जो है वो अपनी ही तलवार से कट गया, एंड आफ्टर रिवीलिंग टू हेमलेट दैट क्लोडियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वींस डेथ, और उसने बताया कि क्लोडियस जो है वो रानी जो क्वीन है ना जर्ट्रूड की मौत का जिम्मेदार है, वो भी इसके बाद मर जाता है। हेमलेट देन स्टेब्स क्लोडियस थ्रू विद द पॉइजन्ड सॉर्ड, और उसके बाद हेमलेट जो है क्लोडियस को उसी तलवार से मार देता है जिस पर जहर लगा हुआ है, एंड फोर्सेज हिम टू ड्रिंक डाउन द रेस्ट ऑफ द पॉइजन्ड वाइन, और जो गॉबलेट में जो पानी और वाइन जो थी उसको फिर उसको पिलाता है कि फोर्स करता है कि तुम पियो इसको। क्लोडियस डाइज एंड हेमलेट डाइज इमीडिएटली आफ्टर अचीविंग हिज रिवेंज, और हेमलेट के भी कट लग गया था ना उस पॉइजन जो पॉइजनस सॉर्ड थी, तो उसके बाद फिर हेमलेट की भी क्या हो जाती है, यहाँ डेथ हो जाती है। ठीक है, एट दिस मोमेंट अ नॉर्वेजियन प्रिंस नेम्ड फोर्टिनब्रेस हु हैज लेड एन आर्मी टू डेनमार्क एंड अटैक्ड पोलैंड अर्लियर इन द प्ले एंटर्स विद एम्बेसडर्स फ्रॉम इंग्लैंड हु रिपोर्ट दैट रोसनक्रेंज एंड गिल्डेंस्टर्न आर डेड, ये दोनों जो हैं ये जो इसके फ्रेंड हैं इनकी भी डेथ हो जाती है। फोर्टिनब्रेस इज स्टंड बाई द ग्रूसम साइट ऑफ द एंटायर रॉयल फैमिली लाइंग स्प्राउल्ड ऑन द फ्लोर डेड, सारे के सारे लोग मरे पड़े हुए हैं। ही मूव्स टू टेक पावर ऑफ द किंगडम, हॉरेसियो फुलफिलिंग हेमलेट्स लास्ट रिक्वेस्ट टेल्स हिम हेमलेट्स ट्रेजिक स्टोरी, फोर्टिनब्रेस ऑर्डर्स दैट हेमलेट बी कैरिड अवे इन अ मैनर बिफिटिंग अ फॉलन सोल्जर, ऑर्डर देता है कि हेमलेट को एक जो सोल्जर है फॉलन सोल्जर की तरह उसको मतलब ऑनर दिया जाए, और यहाँ आके ये कहानी जो है ये खत्म हो जाती है। ठीक है भाई, कहानी यहाँ आके क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसके बाद इसके मेन मेन कैरेक्टर्स की बात भी मैं बता देता हूँ आज के सेशन में ही आपको। देखो मेन कैरेक्टर में एक तो हेमलेट तो हो ही गया, जो प्रिंस ऑफ डेनमार्क है, मेन कैरेक्टर है, प्रोटोगोनिस्ट है इसका, अबाउट 30 ईयर्स ओल्ड है एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले। हेमलेट सन है किसका, क्वीन जर्ट्रूड, और किंग हेमलेट का, एंड द नेफ्यू ऑफ द प्रेजेंट किंग। क्लोडियस कौन है, द किंग ऑफ डेनमार्क, हेमलेट संकल, एंड द प्लेज एंटागोनिस्ट द विलन ऑफ द प्ले, ये एंटागोनिस्ट है या विलन आप कह सकते हो, जो किसका भाई है, किंग हेमलेट का ये ब्रदर है। जर्ट्रूड कौन है, डेनमार्क की क्वीन है, हेमलेट की मदर है, और अभी अभी क्लोडियस से इसने क्या कर ली है, शादी कर ली है। इसके बाद पोलोनियस कौन है, लॉर्ड चैम्बरलेन ऑफ क्लोडियस कोर्ट, अ पोम्पस कन्विंग ओल्ड मैन, पोलिनस इज द फादर ऑफ लर्टीज एंड ऑफेलिया, इनका कौन है, ये फादर है। ऑफेलिया इसकी बेटी है, पोलिनस की बेटी है, ब्यूटीफुल यंग वुमन हुम हेमलेट हैज बीन इन लव, जिससे हेमलेट प्यार करता है। लर्टीज कौन है, पोलिनियस का सन है, ऑफेलिया का ब्रदर है, यंग मैन हु स्पेंड्स मच ऑफ द प्ले इन फ्रांस। The ghost, the specter of Hamlet's, Hamlet's का जो भूत है उसे the ghost कहा गया है, recently deceased father, the ghost who claims to have been murdered by Claudius calls upon Hamlet to avenge him. Horatio कौन है, Hamlet's का दोस्त है, who studied with the prince at the university in Wittenberg. Horatio कौन है, Hamlet का दोस्त है, और यहाँ एक scholar के भांति ये आया हुआ है। फोर्टिनब्रेस कौन है, यंग प्रिंस ऑफ नॉर्वे हुज फादर द किंग, फोर्टिनब्रेस उसी के नाम पर है, वॉज किल्ड बाई हेमलेट्स फादर ऑल्सो नेम्ड हेमलेट, दोनों का नाम हेमलेट है, हेमलेट के फादर ने इसके फादर को मारा था, और उस खुद का उसके फादर का नाम भी फोर्टिनब्रेस है। रोसनक्रेंज और गिल्डेंस्टर्न कौन है, टू स्लाइटली बम्बलिंग कर्टियर्स फॉर्मर फ्रेंड ऑफ हेमलेट फ्रॉम विटनबर्ग हु आर समंड बाई क्लोडियस एंड जर्ट्रूड टू डिस्कवर द कॉज ऑफ हेमलेट्स स्ट्रेंज बिहेवियर। ऑस्ट्रिक कौन है, फुलिस कर्टियर है, जो हेमलेट को लर्टीज के साथ जो तलवार वाला युद्ध है ना तलवारबाजी उसके लिए बुलाता है। वॉल्टीमेंड एंड कॉर्नेलियस कर्टियर्स हुम क्लोडियस सेंड्स टू नॉर्वे टू परसुएट द किंग्स टू प्रिवेंट फोर्टिनब्रेस फ्रॉम अटैकिंग। तो वॉल्टीमेंड और कॉर्नेलियस कौन है, कर्टियर्स हैं जिनको क्लोडियस भेजता है टू नॉर्वे टू परसुएट द किंग टू प्रिवेंट फोर्टिनब्रेस फ्रॉम अटैकिंग, ताकि ये अटैक नहीं कर पाए। मर्सिलस एंड
बर्नार्डो द ऑफिसर हु फर्स्ट सी द गोस्ट वॉकिंग द रैम्पार्ट्स ऑफ द एलसिनोर एंड हुम समन हॉर्सियो टू विटनेस इट मर्सीलेस इज प्रेजेंट व्हेन हैमलेट फर्स्ट इनकाउंटर्स द गोस्ट। तो ये वो सबसे पहली बार देखते हैं वो लोग हैं। तो ये 13 मेन कैरेक्टर्स हैं और इम्पोर्टेंट कोटेशन की बात भी हम कर लेते हैं। देखो कौन कौन से कोटेशन जो हैं इसमें बहुत ज़रूरी है, जानने चाहिए आप लोगों को। देखो जरा, वन में स्माइल एंड बी अ विलन, क्लॉडियस मिस्टेक्स रोसनक्रेंज फॉर गिल्डेनस्टर्न, रोसनक्रेंज एंड गिल्डेनस्टर्न ओवर हियर हैमलेट स्पीकिंग इन रीडल्स टू पॉलिनियस, है ना। वन मे स्माइल एंड स्माइल एंड बी अ विलन, टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन। इट इज ए सलीलक्वी बाय हैमलेट व्हेन ही कंटेम्पलेट्स डेथ एंड सुसाइड, इन दोनों के बारे में जब वो बात कर रहा है। द स्पीच फंक्शंस विद इन द प्ले टू एक्सप्लेन हैमलेट्स हेजिटेशन टू डायरेक्टली एंड इमीडिएटली अवेंज हिज फादर्स मर्डर, है ना, ऑन हिज अंकल स्टेप फादर एंड न्यू किंग क्लॉडियस। उसको मारने की जब वो प्लान बना रहा था तब ये एक सलीलक्वी आती है जो कौन है, हैमलेट बोलता है टू बी और नॉट टू बी। तो ये इसकी दो कोटेशन हो गए, कभी टाइम मिलेगा तो आप लोगों को और भी कोटेशन बता देंगे। लेकिन हैमलेट से संबंधित मेन जो जितनी भी बातें थी, कहानी थी, जहाँ से क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, मेजर कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, उन सबको मैंने इस सेशन में आप लोगों को बता दिया है। ठीक है भाई, एक बार मैं पूरा रिपीट में कर देता हूँ वापस। देखो जरा, हैमलेट की कहानी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे देखो मैं कैरेक्टर्स का नाम ले लेता हूँ यहाँ पे सीधा ही, जिससे आपको मुझे लगता है थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। देखो अगर मैं हैमलेट की बात करूँ, देखो यहाँ से हम ले लेते हैं, एक स्लाइड ले लेते हैं, उससे समझ लेते हैं। देखो मैं आपको थोड़ा सा, जरा देखो कहानी कहाँ की है, डेनमार्क की, ठीक है ना। मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, डेनमार्क की कहानी है। डेनमार्क का जो अभी प्रेजेंट शासन की बात करें तो यहाँ पर एक तो किंग हैमलेट है ना, किंग हैमलेट, एक मिनट जस्ट ए मिनट, एक तो मैंने यहां नाम लिख दिया किसका, किंग हैमलेट और क्वीन जर्ट्रूड, ठीक है। अब इसका मर्डर कौन कर देता है, मर्डर्ड बाय क्लॉडियस, है ना, मर्डर्ड बाय क्लॉडियस। और क्लॉडियस जो है वो शादी किससे कर लेता है, जर्ट्रूड से शादी कर लेता है, है ना। तो अब नया किंग और क्वीन कौन हो गए, ये हो गए इन दोनों के से, किंग हैमलेट और क्वीन जर्ट्रूड का जो बेटा है वो कौन है, प्रिंस हैमलेट है, हैमलेट, ठीक है। अब ये कहानी तो आपको यहां तक समझ में आ गई, शुरुआत में क्या है कि किंग हैमलेट का मर्डर कर देता है क्लॉडियस और शादी कर लेता है जर्ट्रूड से, इनका बेटा कौन है, हैमलेट है। एक गोस्ट दिखाई देता है और गोस्ट क्या बताता है हैमलेट को, कि तुम्हें रिवेंज लेना है। और ये गोस्ट जो है वो किसका है, ये भूत जो है, ये परछाई जो है, ये स्पिरिट जो है किसकी है, किंग हैमलेट की है। तो ये हैमलेट क्या करवाता है कि एक प्ले करवाता है, है ना, कैरेक्टर्स को चाहते हैं उसमें सेम जिस तरीके से मर्डर किया गया उसी कहानी को वो वापस स्टेज पे परफॉर्म करवाता है, जिससे इसको इस बात का पता लग जाता है कि इसकी जो मेरे फादर का मर्डर जो किया है वो हैमलेट नहीं किया है, क्लॉडियस नहीं किया है। अब इसमें एक कैरेक्टर और है, पोलोनियस, ठीक है, पोलोनियस है। और पोलोनियस की बेटी का नाम तो है ओफेलिया, और इसके बेटे का नाम है लर्टीज, ठीक है, ये दो हैं। एक ये तो इसका डॉटर हो गई, ये इसका क्या हो गया, सन हो गया, है ना, ये इसका सन हो गया।
तो ये पूरी की पूरी फैमिली वहां हो गई है। और हॉरेसियो और रोसनक्रेंज और गिल्डेनस्टर्न, ये तीन दोस्त हैं किसके, हैमलेट के, तीनों फ्रेंड हैं, ये तीनों क्या हैं, फ्रेंड हैं यहाँ पे। और इसमें कौन बचा, मेन मेन ये हो गए। अब देखो जब हैमलेट को गिल्ट महसूस हो जाता है कि क्लोडियस, तो ये इसको मारने जाता है क्लोडियस को, क्लोडियस प्रेयर कर रहा होता है तो ये मारता नहीं है कि ये स्वर्ग में चला जाएगा, तो वो अपने माँ के पास आता है, माँ से आर्ग्यूमेंट करता है, उसे लगता है कि पर्दे के पीछे जो है ये छुपा हुआ है क्लोडियस, तो वो उस पर्दे में ही तलवार मारता जिससे पॉलिनस की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो देखो सबसे पहले तो किंग हैमलेट की डेथ होती है, उसके बाद नंबर टू पे पॉलिनियस मर जाता है, ठीक है। पॉलिनियस के मरने के बाद इसकी बेटी को जब पता लगता है तो फिर इसकी बेटी मर जाती है, ठीक है ना। फिर जब दोनों में युद्ध होता है तो जो वाइन के अंदर क्लोडियस ने शराब के अंदर पॉइजन जो मिलाया होता है, तो फिर उससे के पीने से जर्ट्रूड मर जाती है। जर्ट्रूड जब मर जाती है तो जो लर्टीज जो है वो इस बात को हैमलेट को बताता है, ये खुद भी उस तलवार से, पॉइजन वाली तलवार से कट जाता है, तो उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। इसकी डेथ जब हो जाती है तो ये गुस्से में आके क्लोडियस को मार देता है और उसको जो वाइन है उसको पिला देता है, तो फिर इसकी डेथ भी हो जाती है। और उसके बाद कौन मर जाता है, फिर हैमलेट भी, जो किंग प्रिंस हैमलेट है वो भी मर जाता है। खबर आती है कि रोसनक्रेंज और गिल्डेनस्टर्न भी डेड हो गए, तो ये भी पहले इंग्लैंड में मार दिए गए, तो इनकी भी डेथ हो जाती है। हॉरेसियो की डेथ नहीं होती है और फिर जो 14 ब्रस है वो यहाँ पर आकर शासन कर लेता है। इस तरीके से ये ट्रेजडी जो है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो इसके ओवरऑल सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, मेन मेन सारे कैरेक्टर्स के बारे में मैंने डिटेलिंग से बता दिया। लास्ट में मैंने इसको समअप इसलिए किया ताकि आप लोग पूरा इसको अच्छे तरीके से समझ पाओ, ठीक है। तो ये थी आज का आपका एक और बेहतरीन प्ले जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। ऐसे ही चीज़ें आप लोगों के लिए लगातार मिलती रहेंगी। आप लिटरेचर के लिए आपको ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे चैनल से जुड़ें और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी आप लोगों को करना ही है, ठीक है। तो अब आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, थैंक यू।